मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने न केवल तारीफ ही की बल्कि नरेंद्र मोदी के दोबारा पीएम बनने की कामना भी की। ये भी चाहता हूँ हम लोग तो इतना धर्म तो नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि उनकी कामना है कि इस सदन के मौजूदा सांसद दोबारा सांसद बने। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए। इतना ही नहीं, मुलायम सिंह ने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की है और उनकी कामना है कि मोदी फिर प्रधानमंत्री बने। उनके इतना कहते ही मोदी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर मुलायम सिंह यादव को नमस्कार भी किया। मुलायम तारीफ करते रहे और मोदी मुस्कुराते रहे। सवाल है कि मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव एक तरफ पीएम मोदी पर जमकर निशाना साध रहे हैं, आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को हराने के लिए उन्होंने बीएसपी प्रमुख मायावती से भी हाथ मिला लिया। अखिलेश यादव की कोशिश है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ महागठबंधन तैयार किया जाए। ऐसे में मुलायम सिंह यादव ने नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनने की शुभकामनाएं दी हैं। मुलायम सिंह के बयान के बाद बाप बेटे के बीच राजनीतिक मतभेद फिर से सामने आ गए। सवाल है कि मुलायम परिवार में चल रहे अंदरूनी कलह के बीच मुलायम सिंह यादव कहां खड़े हैं। मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में जब पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ना शुरू किया तब ठीक उनके बगल में सोनिया गांधी भी बैठी थी। सोनिया के बगल में खड़े होकर मुलायम सिंह यादव ने पीएम मोदी को दोबारा पीएम बनने का आशीर्वाद दिया। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में कई संकेत नजर आते हैं। देखना है कि मुलायम सिंह यादव की कामना महागठबंधन के लोगों के बीच क्या रंग दिखाती है। प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री।